नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल रेयर फैक्ट्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोलकुंडा किले के इतिहास के बारे में। जी हां, गोलकुंडा मूल रूप से मानक रूप के रूप में जाना जाता था। इस किले को कोंडापल्ली किले की तर्ज पर अपने पश्चिमी रक्षा हिस्से के रूप में काकातियास द्वारा पहली बार बनाया गया था। रानी रुद्रमा देवी और उनके उत्तराधिकारी प्रताप रुद्र द्वारा किले को पुनर्निर्मित और मजबूत किया गया था। बाद में इस किले पर मुसुनिरी शासकों का आधिपत्य रहा, जिन्होंने तुगलकी सेना को पराजित कर वारंगल पर कब्जा किया था। इसे 1364 में एक संधि के हिस्से के रूप में मुसुनिरी कप्यय भूपति ने बहमनी सल्तनत को सौंप दिया था। बहमनी सल्तनत के तहत गोलकुंडा धीरे धीरे बढ़ने लगा था। तेलंगाना के गवर्नर के रूप में भेजे गए सुल्तान कुलू कुतुब उल मुल्क ने इसे 1501 के आसपास अपनी सरकार की सीट के रूप में स्थापित किया। इस अवधि के दौरान बहमनी शासन धीरे धीरे कमजोर हो गया और सुल्तान कुली औपचारिक रूप से 1538 में स्वतंत्र हो गए, जिन्होंने गोलकुंडा में कुतुब शाही राजवंश की स्थापना की थी। मिट्टी से बने इस किले को पहले 3 कुतुब शाही सुल्तानों द्वारा वर्तमान संरचना में ग्रेनाइट द्वारा पुनर्निर्मित करवाया गया। यह किला साल 1590 तक कुतुब शाही राजवंश की राजधानी बना रहा और वर्तमान हैदराबाद के निर्माण तक उनकी राजधानी बना रहा। बाद में 1687 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने इस पर विजय प्राप्त कर ली। तो दोस्तों, चलिए आज हम इसी किले के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानते हैं। शुरुआत में मिट्टी से बने इस किले को मुहम्मद शाह और कुतुब शाह के शासनकाल के दौरान विशाल चट्टानों से भी बनवाया गया। एक ग्रेनाइट पहाड़ी पर बना यह किला 120 मीटर ऊंचा है। इस किले को उत्तरी छोर से मुगलों के आक्रमण से बचने के लिए बनाया गया था। अकॉस्टिक इस किले की सबसे बड़ी खासियत है। किले में कुल 8 दरवाजे हैं और इसे पत्थर की 3 मील लंबी मजबूत दीवार से घेरा गया था। किले के अंदर बहुत से राजशाही अपार्टमेंट और हॉल, मंदिर, मस्जिद, पत्रिका, अस्तबल इत्यादि है। किले के सबसे निचले हिस्से में एक फतेह दरवाजा भी है, जिसे विजय द्वार कहा जाता है। इस दरवाजे के दक्षिणी पूर्वी किनारे पर अनमोल लोहे की कीले जड़ी हुई है। पूर्व दिशा में बना बाल हिस्सार गेट गोलकुंडा का मुख्य द्वार है। इसके दरवाजे कि किनारों पर बारीकी से कलाकारी की गई है। किले में दीवारों की 3 लाइनें बनी हुई है, ये एक दूसरे के भीतर है और 12 मीटर से भी अधिक ऊंची है। किले में बनी अन्य इमारतों में मुख्य रूप से हथियार घर, हफ्सी कमानस, ऊंट अस्तबल, तारामती मस्जिद, निजी कक्ष, नगीना बाग, रामसासा का कोठा, मुर्दा स्नान घर, अंबर खाना और दरबार कक्ष आदि शामिल है। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप पहले महल के आंगन में खड़े होकर ताली बजाएंगे तो इसे महल के सबसे ऊपरी जगह से भी सुन सकेगा, जो कि मुख्य द्वार से 91 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। किले के अंदर 4 शताब्दी पूर्व बना शाही बाग आज भी मौजूद है। किले के सबसे ऊपरी भाग में जगदम्बा महाकाली जी का भी मंदिर है। किले से लगभग आधी मील की दूरी पर उत्तरी भाग में कुतुब शाही शासकों के ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित मकबरे हैं, जो टूटी फूटी अवस्था में आज भी देखे जा सकते हैं। पूरी दुनिया में प्रसिद्ध इस किले से पुराने जमाने में कई बेशकीमती चीजें जैसे कोहिनूर हीरा, होप डायमंड, नसाक डायमंड और नूर अल इन आदि मिली थी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।